देखिए, जहाँ तक ये कार्रवाई की गई है, जहाँ पर सरकारी अराजी का या घास चराई का इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है कानून को मद्देनज़र रख के इनके साथ, इन स्कूलों के साथ बात कीनी चाहिए, करनी चाहिए, इनसे पैसा उन ज़मीनों का हासिल करना चाहिए ताकि बच्चों को एजुकेशन में कोई फ़र्क ना आए। अल्ताफ़ साहब, हमने देखा कि वो मुख्तलिफ बयान कल आए हैं इलेक्शन के हवाले से, फारूकुल्ला ने एक बयान दिया और उमर अब्दुल्ला ने उसके कुछ ही देर बाद दूसरा बयान दिया, इसके हवाले से थोड़ा बताइए किस तरह का फसाद पाया जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने जैसे अभी अपने लोगों के साथ भी बातों में यही बात कही, हम दोगली सियासत नहीं चलाते हैं कि एक बाप एक बात करे और बेटा दूसरी बात करे। मेरी जमात में आप देखेंगे हम सब लीडर एक ही बात करते हैं, बात वही है, क्यों? जब आप सच बोलते हैं तो एक ही बात करते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके मुख्तलिफ बातें होती हैं, तो इसलिए वो तो सीधा आया है कि क्या बात क्या हो रही है। क्या लगता है कि जो इलेक्शन का बिगुल बज गया है तो आप झूठ सामने आना शुरू हो गए? बिल्कुल, इनके जो आप देखेंगे, चूँकि इनकी सियासत झूठ पे मबनी है, मैं आज आपको कहता हूँ, मीडिया मुझे कहे, मैं बिल्कुल चैलेंज मैं मीडिया को करता हूँ, आप बताइए एक भी दिन 8 मार्च 2020 के बाद क्या अल्ताफ़ बुखारी या इसकी जमात ने कोई ऐसी बात कही जो हम आज नहीं कहते? क्यों? सच एक ही है, सच रोज़ बदलता नहीं है, सच कैसे बदलेगा? वो फारूक साहब का है अपना, वो क्या करना चाहेंगे वो उनसे पूछे। हम तो ये कहते हैं कि भैया हमें तो यहाँ सड़कें बनाने, स्कूलों की परेशानी, हमारे बच्चे जो आज फिर पकड़ दकड़ है उनकी परेशानी, उन रोज़गार की परेशानी, हमें तो उन चीज़ों की परेशानी है। ये तो बड़ी बड़ी सियासत करेंगे, हमारी तो छोटी सियासत है, इन अपने लोगों को कैसे जिंदा रह के ये सांस खुले हवा में ये भी सांस लेते।